गुड एंड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा इसमें। ठीक, चलो अभी सारे बच्चे आ गए, कितने आ गए? ठीक है, आ गए काफी। अब देखो इसमें छोटी छोटी बातें पहले तुम लोग को सीखनी होंगी। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास आ रही है कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम। ये कुछ खास नहीं है, तुम्हें क्या समझना है कि अगर कोई टू टू रीजन्स, यानी कि अगर कोई टू रीजन्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, इफ टू रीजन्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो उनका एरिया भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। इफ टू रीजन्स आर कॉन्ग्रुएंट देन एरिया, देन द एरिया ऑफ द रीजन्स आर, कह सकते हो एक सिंपल भाषा में कि द एरिया ऑफ द रीजन्स आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी तुम जानते ही हो क्या होता है, हमने पहले ही बताया था कि जो सुपर इम्पोज हो सकते हैं फिगर, यानी कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसका एरिया सेम होगा। दो कोई भी रेक्टेंगल है या कोई भी फिगर ऐसा है जो कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका एरिया सेम होगा। ठीक है, अब दूसरा तुम्हारा पास आता है एरिया एडिशन। एरिया एडिशन भी कुछ खास नहीं है, बस सिंपल सी चीज है। एरिया एडिशन का मतलब क्या है? एरिया एडिशन एक्सियम का मतलब क्या है कि अगर दो फिगर्स को ऐड किया जाए, इसको और कोई भी एक फिगर को ऐड कर दिया जाए, तो इनका जो टोटल एरिया होगा वो दोनों के एरिया के बराबर होगा। मान के चलो हमने ये कर दिया, इसको ऐसे ऐड कर दिया, तो इसका जो एरिया है वो क्या हो गया? एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस। तो ये छोटी सी बात है, इसको कुछ खास लिखने की भी जरूरत नहीं है। अभी हम लोग चलेंगे सीधे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम होता क्या है, ये हम लोग ने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ लिया कि पैरेललोग्राम अगर तुम देखो तो तुमने पढ़ा कि पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, फिर अपोजिट साइड्स पैरेलल होने पर तुमने ये प्रूफ कर दिया था, ये अकॉर्डिंगली हाँ, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए, यानी कि पैरेलल भी थे इक्वल भी थे, पैरेलल भी थे इक्वल भी थे। अब इसका हमें क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए हम क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम बताओ क्या कर सकते हैं, कुछ है दिमाग में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए? बताओ। सर, उसको दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे और फिर एक का एरिया निकाल के उसको हाँ इनटू टू कर देंगे। देखो सिंपल सी बात, हाँ बोलो क्या हुआ? सर जो उसका ऊपर का जो वर्टेक्स है उससे पैरेलल लाइन मतलब परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे और हाँ जो आएगा वो लेफ्ट साइड में डाला तो फिर वो एक रेक्टेंगल बनता है, तो हाँ हाँ ठीक उससे है, कर सकते हैं देखो बेस इसमें इनटू हाइट। ठीक है, बेस इनटू हाइट आएगा। देखो इससे पहले तुम्हारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का, तुम कह सकते हो कि इससे पहले हम एक दो थ्योरम और पढ़ सकते हैं, मतलब कि एक दो थ्योरम और क्या होती है कि सबसे पहली थ्योरम तो तुमने पढ़ रखी है, उसका तो तुमने प्रूफ भी पढ़ रखा है कि अगर कोई भी डायगनल ऑफ ए पैरेललोग्राम है, ए डायगनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ए डायगनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर ये थ्योरम है, एक डायगनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू ट्रायंगल्स ऑफ इट इनटू डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। चलो अब ये बताओ इस बात को कैसे प्रूफ करें कि हमने ये कहा सबसे पहले कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है उस पर डायगनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि सपोज हमने मान लिया कि इसका कोई भी एक डायगनल है, भाई इसका डायगनल तुम जान सकते हो कि ये होगा, ठीक, अगर हमने इसके अंदर डायगनल खींचा तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी डायगनल हम खींचेंगे पैरेललोग्राम में वो इस ट्राइंग डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, जो हमारा ओरिजिनल फिगर था पैरेललोग्राम का, उसको इसने दो इक्वल एरिया में बांट दिया। अब कैसे बांटा, इसका प्रूफ क्या है, क्या प्रूफ है, कैसे प्रूफ करोगे, बताओ। फिर मैं बताऊं
बताओ क्या, बताओ जल्दी से। हाँ सर, पहले नेम कर लेंगे ए हाँ बी सी डी। चलो, नेम कर लिया ए बी सी डी, ठीक है। और उसके आह बाद सर, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो ठीक सर ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक फिर उसके और बाद फिर उसके बाद ए बी इज इक्वल टू डी सी, सी, ठीक है, और सर डी बी इज इक्वल टू डी बी कॉमन, ठीक। कॉमन साइड है, तो सर बाय एस 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 और ये कॉमन थे। तुम्हारे तो पास क्या हो गया अपोजिट। एक्चुअली हाँ बोलो, क्या हुआ? सर एक्चुअली थोड़े से नेटवर्क इश्यू की वजह से मैं अभी ज्वाइन हो पाया हूँ, तो बस क्या यही कर चल रहा सकते है हैं। बस, ठीक है। देखो अभी कुछ नहीं चल रहा है, अभी यही चल रहा है कि हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे पहुंचने वाले हैं, तो वहां से पहले हम एक दो थ्योरम प्रूफ करेंगे। उसमें सबसे पहले पैरेललोग्राम की ये छोटी सी थ्योरम थी कि अगर डायगनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, हालांकि ये क्वाड्रिलेटरल में तुम लोग प्रूफ कर चुके हो कि अगर डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम खींचा जाए तो वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तोड़ता है, ये हम लोग का प्रूफ था। एक रिकॉल हो गया कि इसमें क्या हो गया, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी लग गई। जब एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी लग गई तो तुम्हें समझ में आ गया कि ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो गया, ट्रायंगल सीबीडी, ठीक। यानी कि एबीडी और ये तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एक मिनट, ट्रायंगल एबीडी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बताओ, सीडीबी, ठीक सर है, सीडीबी सीडीबी, सीडीबी क्योंकि सर ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा, एरिया भी इक्वल हो जाएगा। ये अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीबी। तो यहां से एक छोटी सी बात निकल के आई कि अगर कोई भी डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम खींचा जाए तो वो दो इक्वल एरियो में बांट देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जल्दी से करना हो कर लो इसको, नेक्स्ट करें फिर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो, सर मुझे वो राजवीर का मैसेज आया था, वो क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा, तो उसने रिकॉर्ड करने के लिए बोला। रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, ठीक है, हम डाल देंगे रिकॉर्डिंग। ओके सर। चलो जल्दी से हो गया, यस सर। चलो। अब देखो एक नई थ्योरम करते हैं हम लोग। अब यहां से थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, आर इक्वल इन एरिया। चलो ये देखो कहना क्या चाहता है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, एक बटर को बनाते हैं। चलो इस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे क्या करना है। देखो दो ये ले लिया हमने और ये ले लिया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे रहते हैं, चलो देखो ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन दिख रही है जो कि सेम पैरेलल का मतलब ए बी, और हमने पैरेलल ले लो ये सी एफ, ये पैरेलल ले लो, ये पैरेलल ले लो, ठीक है, सी एफ, ठीक, ए बी सी डी ले लो, कुछ भी ले लो, इसको सी एफ ले लो। ठीक है ए बी सी डी ले लेते हैं। अब देखो ये हमारे पास दो सेम पैरेलल है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। एक्चुअल में तो ये तुम्हारे पास सेम बेस से अगर तुम एक पैरेललोग्राम खींचना चाहो तो एक पैरेललोग्राम तुम्हारा ये दिखेगा, एक पैरेललोग्राम तुम्हें ये दिखेगा ए बी सी एफ, यानी कि एक पैरेललोग्राम तुम्हें ये दिखा और दूसरा पैरेललोग्राम देखने के लिए तुम देख सकते हो दूसरा पैरेललोग्राम, अगर तुम डिफरेंट कलर से देखो तो दूसरा पैरेललोग्राम तुम्हें शायद ये दिख रहा होगा ए ऐसे,
यानी कि सेम बेस होते हुए दो पैरलोग्राम अगर हमने ड्रॉ करे तो शायद वो इस तरह से दिख रहे हैं, यानी कि एक हम ए बी सी डी ई एफ, तो हमारे, हाइट सेम होगी ना बेस से हाँ तो। सुनो सुनो, अब देखो तुम्हारे पास दो पैरलोग्राम दिख रहे हैं, एक पैरलोग्राम तुम्हारे पास फर्स्ट पैरलोग्राम कौन सा दिख रहा है, एक तो फर्स्ट पैरलोग्राम तुम्हारा दिख रहा है, चलो फर्स्ट पैरलोग्राम अगर तुम ग्रीन वाला पकड़ो तो क्या दिख रहा है, ए बी सी ई एफ, ए बी सी ई, ठीक। और एक पैरलोग्राम अगर हम देखें सेकंड पैरलोग्राम, तो सेकंड पैरलोग्राम तुम्हारा क्या दिख रहा है, ए बी एफ डी, क्लियर। अब देखो दो पैरलोग्राम है और सेम बेस है, दोनों का सेम बेस है, यानी कि ए बी इज द सेम बेस ऑफ बोथ दी पैरलोग्राम, और सेम पैरलर्स में है, यानी कि डीसी और ए बी दो पैरलर लाइंस हैं, उन्हीं के बीच में ये ड्रॉ किए गए हैं। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ पैरलोग्राम ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरलोग्राम ए बी एफ डी, क्लियर। चलो अब देखो इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तुम देखो अगर ग्रीन वाले का, तो ग्रीन वाले का तुम देखोगे कि अगर हम यहां पर देखें कि एरिया ऑफ पैरलोग्राम, एरिया ऑफ पैरलोग्राम ए बी सी ई, तो ये क्या हो रहा है, एक तो बीच में ये आ रहा है, यानी कि ये पोर्शन आ रहा है, कह सकते हो कि जो ट्रपीजियम बीच में आ रहा है, यानी कि जो ट्रपीजियम आ रहा है, अगर तुम इसको रंग से भर दो, ये तुम्हारे पास बीच का एरिया कॉमन आ रहा है, ठीक। तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो रहा है, एरिया ऑफ ए बी ई एफ लिख दो, ए बी ई एफ, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ, यानी कि ट्रायंगल बी बी सी एफ, बी सी सी एफ, ठीक। अच्छा बी सी एफ, और तुम्हारे पास दूसरा जो एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ पैरलोग्राम, दूसरा पैरलोग्राम ए बी एफ डी दिख रहा है, ए बी एफ डी, अच्छा ए बी एफ डी का भी क्या हो गया, एरिया ऑफ पिंक वाला तो एरिया कॉमन दिख रहा है ए बी ई एफ, और प्लस तुम्हारे पास जो एरिया एक्स्ट्रा दिख रहा है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई ए, यानी कि ए ई डी कुछ भी लिख सकते हो, ए ई डी लिख रहा है, यानी कि अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया सेम हो जाए तो हम कह सकते हैं क्या, क्या कह सकते हैं हम, बोथ द पैरेललोग्राम्स आर कॉन्ग्रुएंट बोथ द पैरेललोग्राम्स आर मतलब इक्वल एंड एरिया सेम होगा। एरिया। चलो अब देखते हैं ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल बी ई सी इनमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो क्या ए ई तुम्हारा ए ई और बी सी बराबर दिख रहे हैं, क्योंकि ये ग्रीन वाली लाइन और ये ग्रीन लाइन बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरलोग्राम, क्लियर। और यही चीज तुम्हें ए डी और बी में दिख रहा है, ए डी इज इक्वल टू बी एफ में दिख रहा है, अपोजिट ऑफ पैरलोग्राम। और तुम एक चीज देखोगे इसमें कि जो ये एंगल डी ए ई है, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी, ये एंगल बराबर हो रहा है, क्यों बराबर हो रहा है, अगर एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, इसके पैरेलल कोई लाइन खींची गई और इसके पैरेलल ये लाइन खींची गई, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल्स, तो यहां से अगर हमने इसके पैरेलल ये खींची थी, इसके पैरेलल ये खींची थी, तो इसके बीच का भी एंगल सेम होता है, एंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल्स, तो ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हमने, क्लियर है सभी बच्चों को ये बात, कि अगर एक लाइन, एक दो लाइंस हैं और दोनों के पैरेलल, इसके पैरेलल कोई लाइन खींच दी और इसके पैरेलल कोई खींच दी, तो उसके बीच का एंगल बराबर होगा, क्लियर है ये बात, बोलो। यस तो तुम्हें यस एक बात समझ में आ गई कि ये एस ए एस से क्या हो गया, एस ए एस से ट्रायंगल ए डी यस ई इज ट्रायंगल ए डी डी ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या हो गया, ट्रायंगल डी ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीबीएफ सी बी एफ, तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एरिया सेम हो गया, एरिया सेम हो गया तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और तुम वहां से लिख सकते हो कि दोनों पैरलोग्राम का भी एरिया बराबर होगा अगर बिटवीन द सेम पैरलर्स एंड सेम बेस है, क्लियर है ये चीज, बोलो।
सभी को क्वेश्चन ही कर सकते थे कि दोनों पैरेललोग्राम की हाइट एक ही है और अगर सेम बेस पे है तो एरिया होती है बेस इनटू हाइट। नहीं नहीं एक्चुअल में देखो, हां सुनो सुनो, एक्चुअल में देखो एक चीज ये है ना कि प्रचेट जैसे जो रूल होता है पढ़ने और पढ़ाने का, मतलब रूल यही होता है कि आपने जब दूसरी थ्योरम अभी नहीं बताई है तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि अभी हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं बताया है कि बेस इनटू हाइट होता है, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट कैसे आया था वो शायद इसी के हेल्प से आएगा, वो इसके हेल्प से आया था, उसके हेल्प से हम उल्टा नहीं प्रूफ करते हैं। तो एक सिक्वेंस जो होता है, मतलब जो भी भाई बुक्स हैं और उसमें क्या होता है, सिक्वेंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या चीज पहले ड्राइव हुई, क्योंकि जो भी मैथ तुम बनी होगी तो तुम क्या कह सकते हो, हर चीज एक दूसरे के बाद बनी होगी, जब ये खोजा गया होगा तो उसके बाद वो खोजा गया होगा, तो पहले तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, शायद यही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले इसका ही इन्वेंशन हुआ होगा फिर उसका इन्वेंशन हुआ होगा। क्लियर? ओके सर। चलो देखते हैं इसके बाद, शायद तुम्हें पता चलेगा इसी को यूज करके कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ बेस और करस्पोंडिंग एल्टीट्यूड होता है। ये हो गया सभी को क्लियर? यस सर। चलो सर, पर एग्जाम में सपोज हमें प्रूफ करने के लिए आ गया तो मतलब हम उसमें सीक्वेंस नहीं ना फॉलो करेंगे उसमें? देखो ये राइट से भी कर सकते हैं ना, ये देखो टीचर पे डिपेंड करता है, अगर टीचर तुम फॉलो करना पसंद करता है तो ठीक है, वरना तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी इतने प्रूफ आते नहीं, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए एप्लीकेशन। ओके सर। चलो नेक्स्ट कराएं। यस। हो गया सभी का? मानस, प्रांजल, हर्ष? हाँ सर हो गया। यस सर। चलो देखो अब इसी की हेल्प से तुम्हें प्रूफ करना होगा कि द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is the product of its base is the product of its base and the corresponding altitude. देखो अब इसी की हेल्प से हमें प्रूफ करना है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। चलो अभी जो थ्योरम पढ़ी है उसी को अप्लाई करके बताओ कि कैसे कर सकते हो, उसी को अप्लाई करके बताओ। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस, ये मान लो बेस बी है, और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का मतलब कोई भी हाइट डालेंगे हम वो। चलो बताओ कैसे प्रूफ करोगे? तो हम वो ये रेक्टेंगल वाला लगा के कर सकते हैं। रेक्टेंगल वाला लगा के कैसे? तो जो मैंने अभी बताया था वो अल्टीट्यूड निकाल के। नहीं तो अल्टीट्यूड डाल के क्या मतलब, समझे नहीं हम। यानी जो एक वर्टेक्स से 90 डिग्री अल्टीट्यूड निकल के दूसरे साइड पे लगा सकते तो फिर वो एक रेक्टेंगल बनता है। अच्छा ये तुमने कहा कि ये 90 डिग्री बना देते हैं तो वो उससे कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है। तो वो यहाँ पे जॉइन किया तो राइट एंगल बनता है 200। हाँ ठीक। तो फिर साइड इनटू। चलो सही है। देखो अगर ये तुमने लिया ABCD, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम था और तुमने यहाँ पे बी परपेंडिकुलर डाल दिया और ये AF है, तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ABEF इज ए क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। अब ये रेक्टेंगल बन रहा है तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ AF इनटू FE, तो ये तुम्हारा हो जाएगा AB इनटू FA AF। ठीक, तो AB के जगह तुम्हारा बेस हो गया और AF ये हो गया। AF तुम कह सकते हो क्या होगा, H ले सकते हो उसको,
तो बी इंटू एच हो गया। अब तुम्हें ये मालूम है कि अगर तुम रेक्टेंगल को देखो और पैरेललोग्राम को देखो तो एरिया ऑफ ए बी सी डी यानी कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा वो क्या है, क्योंकि रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। और अभी अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि बिटवीन टू पैरेलल्स एंड विद द सेम बेस द एरिया ऑफ द टू पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो एरिया ऑफ ये किसके बराबर हो जाएगा, रेक्टेंगल ए बी ई एफ के, क्योंकि तुम्हें मालूम है ना कि बिटवीन टू बेस सेम बेस, क्योंकि दोनों का बेस सेम हो रहा है ए बी और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेस इनटू हाइट। फिर पर उसके लिए हमें पहले रेक्टेंगल का एरिया डिराइव करना पड़ेगा। नहीं, रेक्टेंगल का एरिया तो तुम शायद इससे पहले ड्राइव हो चुका है, रेक्टेंगल का एरिया तो पहले ही ड्राइव हो चुका है ना, मतलब सेवन एर्थ में ड्राइव हो चुका है। रेक्टेंगल का एरिया कब से पढ़ लो? रेक्टेंगल ऑफ का कैसे ड्राइव हुआ था सर? हमें ऐसे सिखाया कि रेक्टेंगल के अंदर न्यूमेरस स्क्वायर्स बना देंगे 1 centimeter. हाँ ठीक है ठीक है, वो बच्चों का प्रूफ जो होता था वो 1 centimeter यूनिट रहते थे और उसी को यहाँ पे दूसरा रखा तो फिर तीसरा रखा, तो जितने नंबर ऑफ स्क्वायर ये तुम्हारा एरिया हो, ये तुम्हारा वो प्रूफ बच्चों वाला जो होता था लेंथ इनटू ब्रेथ ही आता था। ठीक है, तो ये तुम्हारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। चलो ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, बेस इनटू हाइट हो गया तुम्हारा। चलो दें दूसरा क्वेश्चन दें। चलो इन्हें पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू 8 centimeter, एल्टीट्यूड्स करस्पॉन्डिंग टू साइड्स ए बी एंड ए डी आर रेस्पेक्टिवली 4 centimeter एंड 5 centimeter point AD. A, B, C, D. सर तो डीएम 4 है कि बीएन? अच्छा हाँ ओके, 4 और ये तुम्हारा 8 है। चलो बताओ जल्दी से, सही आया है तुम्हारा, प्रांजल का आया, सतेज कोले का भी ठीक है, और किसका आंसर आया, बस दो आंसर आए अभी तक के। सर एक ही मिनट, ओम गदानी, राजवीर का क्या आंसर आ रहा है, इतना आंसर क्या आएगा राजवीर, प्रेचट का सही है। ओम राजवीर तुमने क्या गलती कर दी? तो मेरा सर, मेरा मेरा सही है ओम। हाँ ओम गदानी का सही है, प्रेचट का सही है।
बागश्री का सही है, मानस का सही है। बागश्री मानस का सही है। हो गया सभी का, सबको आंसर देना चाहिए था, इतना आंसर सबका क्यों नहीं आ रहा है? क्या हो गया? रतीश आंसर नहीं आया, शरानिया, रुतम्रा जादव, मयूमी, क्या हो गया? इतना टफ क्वेश्चन है क्या ये? केनिशा प्रथम, रुतम्रा जादव, क्या हो गया? बोलो जल्दी से, इतना टफ क्वेश्चन है क्या ये? प्रथम, स्वयं, ईशान चतुर्वेदी, क्या क्यों नहीं आ रहा है भैया आंसर? क्यों? इतना टफ तो क्वेश्चन नहीं है ये। ऐसा तो नहीं है कि पांच छह बच्चों ने आंसर दिया है 23 में, वैसे तो नहीं। करो पढ़ाई, अभी तुमने क्या पढ़ा है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बोलो रतीश आंसर क्यों नहीं आया? रतीश आवाज आ रही है मेरी? The base into height. नहीं तो आंसर क्यों नहीं निकाल पा रहे उसका? प्रिंस देशमुख, प्रिंस, यस सर, आंसर नहीं निकाल पा रहे हो क्या इसका? वन मिनट। अरे इतना टाइम कहाँ लगना है रतीश कुमार, क्या कर रहे हो? देखो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तुमने पढ़ा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या पढ़ा है? अभी तुमने बोला कि हमने पढ़ा है कि बेस इनटू हाइट, ठीक। अच्छा अगर तुम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो, अगर तुम इसको यहां से देखो कि बेस इसका अगर ए बी है, बेस अगर ए बी है तो हाइट क्या लोगे? डीएम लोगे, ठीक। यानी कि ए बी अगर तुमने बेस लिया तो 8 बीएम और डीएम तुम्हारा ये, यानी कि 32। फिर और तुम कह सकते हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हमने क्या किया होगा, अगर हमने बेस ये ले लिया, बेस हमने क्या ले लिया? डीए, एडी ले लिया, और हाइट हमने क्या ले ली? बीएन। तो एडी और बीएन क्या हो जाएगा? BN तुम्हारा 5 है, तो ये AD into 5 होगा। But area of parallelogram इसको base लेके निकालो, इसको base लेके निकालो, area of parallelogram तो वही रहेगा, कोई area change तो होने वाला नहीं, ठीक है? तो area of parallelogram वही रहेगा, इसके मतलब जो 32 है वो किसके बराबर होगा? AD upon 5। तो AD is equal to क्या हो गया? 32 upon 5, ये आ जाएगा 6.4। इतना तो टफ नहीं था कि उसमें तुम लोग पता नहीं क्या करने लग गए। हाँ एडी फाइंड करना है क्या? हाँ एडी तो फाइंड करना था, लिखा तो है क्वेश्चन, क्वेश्चन में अंग्रेजी नहीं आ रही क्या? फाइंड एडी लिखा हुआ है। जल्दी से लिखो इसको, हो गया? शरानिया भगत, क्यों नहीं आंसर आया था? चलो नेक्स्ट दें। सर थोड़ा सा डिफिकल्ट। अरे रुक जाओ, पहले इतना इजी तो हो नहीं रहे इन सबसे। चलो अब नेक्स्ट थ्योरम तुम्हारी है, टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट थ्योरम पढ़ा रहे हैं, वो क्या है? टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स
आर इक्वल इन एरिया, आर इक्वल इन एरिया। चलो अगर कोई तुमसे ये कहे कि इसको प्रूफ करो, तो क्या बेसिक अप्रोच लगा के प्रूफ कर सकते हो जो एक मिनट में बता सकते हो कि हम इसको प्रूफ ऐसे कर सकते हैं। गिवन हमारे पास क्या है कि टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी कि तुम्हारे पास दो पैरेलल्स दे रखे होंगे, ठीक, दो पैरेलल्स दे रखे होंगे, और उसमें तुम्हारे पास प्रूफ करना होगा कि ये दो ट्रायंगल जो हो रहे हैं वो सेम बेस से, यानी कि एक ट्रायंगल अगर हमने ये बनाया ऐसे और दूसरा ट्रायंगल अगर हमने इसी बेस को रखते हुए ये बना दिया ये ऐसे, ये ऐसे आएगा सेम बेस और सेम पैरेलल्स। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए, ए बी सी और डी बी सी। तो क्या अप्रोच लगा सकते हो इसमें बताओ, क्या अप्रोच होगी जिसको तुम आराम से प्रूफ कर सकते हो? वो बीच का जो वीओ वीओ ए से वो हो जाएगा, मतलब दोनों एंगल सेम रहेंगे, फिर वो बीच में ओ नाम दे दीजिए, उससे फायदा क्या होगा सर? तो अगर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, मतलब दोनों का एरिया सेम है ना, तो कैसे प्रूफ करोगे कॉन्ग्रुएंट? हाँ सर, वो बीच में ओ नाम दे दीजिए। चलो अच्छा, दे भी दिया ओ तो। हाँ सर, एक ए ओ बी और डी ओ सी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये इक्वल हो गया। और सर और बी ए ओ और डी सी ओ इक्वल हो जाएगा। ये क्यों इक्वल होगा? पैरेलल है तो। ए बी और डी सी पैरेलल दे रखी है क्या? बताओ, दे रखी है। देखो इसको प्रूफ करने का एक तरीका, एक छोटा सा तरीका तुम देख सकते हो कि अगर हम ये कहें कि यहां पर हमने ए सी से पैरेलल एक लॉइड ड्रॉ कर दी, ठीक, ए सी से पैरेलल, और यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने ए सी से पैरेलल इधर ड्रॉ की है, और यहां पर हम कह सकते हैं, और एक हम ड्रॉ कर सकते हैं कौन सी, ठीक है चलो बस ए सी से पैरेलल ड्रॉ कर दी, बस एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब तुम ये देखो कि अगर तुम देखोगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी ई, एक पैरेललोग्राम तुम्हारे पास मिल रहा है पैरेललोग्राम ए बी सी ई, ठीक, दिख रहा है एक पैरेललोग्राम ए बी सी ई पैरेललोग्राम दिख रहा है? बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ सर, दिख रहा है। अच्छा चलो, ए बी सी ई तुम्हें एक पैरेललोग्राम दिख गया, ठीक, ये तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम दिख रहा है ए बी सी ई, ठीक सर। ए सी बी आएगा ना? हाँ, ए सी बी लिख लो, ठीक, ये तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम दिख रहा है और इसका नाम हमने दे दिया है ए सी बी। अच्छा, और दूसरा पैरेललोग्राम तुम्हें क्या दिख रहा है? दूसरा पैरेललोग्राम क्या तुम्हें ए बी सी डी, ए बी सी डी दिख रहा है? ए बी सी डी दिख रहा है सर, पर आपने बोला था कि वो पैरेलल। हाँ सर, वो पैरेलल नहीं आपने बोला ना। कौन सी लाइन पैरेलल नहीं है सर? ये ए बी और डी सी। हाँ सर, आपने बोला था। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा, हमने बोला था कि पैरेलल नहीं है, चलो ठीक है। तो इसको हम एक तरीके से फिर अलग तरीके से प्रूफ करते हैं, इसको अगर हम पैरेलल लेके चलेंगे तभी प्रूफ हो पाएगा। देखो अगर हम यहाँ नहीं तो फिर और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, और एक और लाइन देखो, एक्चुअल में हम इसको और छोटा प्रूफ बनाएंगे। और छोटा प्रूफ बनाने के लिए क्या करोगे तुम जैसे तुमने सीधे सीधे तुम दो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, सबसे इजी पड़ेगा यही कि अगर तुमने दो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिए, एक ये कर लिया और इसी सेम बेस से एक और ड्रॉ कर लिया, ठीक, यानी कि हम पहले ही से मान के चले कि हमने दो पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए। क्योंकि देखो यहाँ पे हम इसलिए फायदा मिलेगा क्योंकि अगर आप सेम बेस से हमने दो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिए ए बी सी डी और सी बी और ये तुम ई एफ ले लो, ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा तुम्हारे पास, क्या फायदा होगा इससे अगर दो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया पहले ही से? सर
बताओ क्या फायदा हो सकता है इससे। देखो अगर तुमने दो पैरेललोग्राम पहले ड्रॉ कर लिए तो तुम्हारे पास फायदा क्या होगा, तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम क्या था ए बी सी डी ठीक, और एक पैरेललोग्राम तुम्हारे पास क्या हो गया बी ए ई बी सी ले लो ठीक ठीक है। अब तुम्हें मालूम है कि ये दोनों पैरेललोग्राम ये है, दोनों पैरेललोग्राम क्या होंगे एरिया बराबर होंगे। क्यों एरिया बराबर होंगे, क्योंकि वो क्या है ये बिटवीन द सेम बेस एंड द सेम पैरेलल्स, ये क्योंकि हमने थ्योरम प्रूफ कर ली है तो हम इसको यूज कर सकते हैं कि बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड विद द सेम बेस तो इसके बराबर हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, क्या नहीं बचा देखो, अरे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एफबीसी की बात करें तो ये क्या होगा, एफबीसी की बात करें तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ईएफसीबी, वही क्या नाम है ईएफबीसी, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल एरिया, तो सेम चीज तुम्हारे पास इसके में भी आ जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अगर एबीसी की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो बस काम खत्म हो गया। ये दोनों पहले से बराबर हैं तो अगर दो चीज बराबर होती हैं तो उसका हाफ भी बराबर होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ई बी सी, दो चीज इक्वल होती हैं उसका हाफ भी बराबर होता है, और वो हाफ है किसके बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये एक सिंपल सा प्रूफ है कि बिटवीन एनी टू पैरेलल्स एंड द सेम बेस ट्रायंगल का जो इक्वल एरिया होता है वो क्या होता है इक्वल होता है। अब यहां से एक रिजल्ट तुम्हें और मिल जाएगा, वो क्या मिलेगा कि अगर बिटवीन सेम बेस और सेम पैरेलल्स में एक ट्रायंगल हो एक पैरेललोग्राम हो तो ट्रायंगल के एरिया और पैरेललोग्राम के एरिया में रिलेशन क्या होगा। जल्दी बताओ, ये तो तुम लोग बता सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बस सीधी सीधी बात है। अगर तुम्हारे पास कोई भी सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन पे एक ट्रायंगल ड्रॉ हो और एक पैरेलल लाइन वो पैरेललोग्राम ड्रॉ हो तो तुम्हारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो हाफ ऑफ दैट ऑफ पैरेललोग्राम होगा। क्लियर, बोलो। यस सर। चलो इसको तुम रिमार्क मार के लिख लो, ये कर लो फिर बताएं, इसको रिमार्क कर लेना। सर वो दोनों पैरेललोग्राम के एरिया कैसे सेम हो, तो ये तो अभी हमने पहले ही ड्रॉ प्रूफ किया है ना, अभी तो पहले प्रूफ किया था अभी 10 मिनट पहले कि बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड द सेम बेस। हाँ बोलो क्या हुआ। नहीं सर वही बता रहा था सर, पैरेललोग्राम सर इक्वल बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड बेस। चलो जल्दी से हो गया, हो गया। हाँ सर हो सर। चलो अब देखो इसका तो रिमार्क बना के लिखना है, वो क्या लिखना है कि द इफ ए ट्रायंगल एंड
ए पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स the area of the triangle is equal to the area of the triangle is equal to half of the parallelogram is equal to half of the parallelogram ठीक है. ये चीज प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है, तुमने खुद ही देख लिया था अभी कि अगर सेम बेस और सेम पे होगा तो क्या हो रहा होगा. चलो अब जितना हम लोग ने अभी पढ़ा है वो उससे एक तुम एप्लीकेशन करके दिखाओ हमें. हो गया ये, बोलो ये लिख लो जल्दी से भी बताएं. ये लिख, हाँ लिखो लिखो भी बताएं. सर हो गया. हाँ सर. अभी देखो तुमको हम ये कह रहे हैं कि अब तुम इसका ये प्रूफ बताओ कि कैसे होगा. द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स हाइट, इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स हाइट्स its height and the sum of the parallel sides, sum of the parallel sides. चलो इसको प्रूव करना. हाँ अब इसको प्रूव बताओ कैसे करोगे, क्या अप्रोच होगी इसको. सर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे. चलो पहले तो ट्रेपेजियम ड्रॉ करें. चलो पहले हमने ट्रेपेजियम ड्रॉ किया. अब हमने ये कहा कि अगर ये ट्रेपेजियम है ठीक, तो ट्रेपेजियम का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे पास ये लाइन तो पैरेलल हो गई ठीक, ये ए बी सी डी हो गया. अब हमें प्रूफ जो करना है वो क्या करना है कि अगर ये तुम कह सकते हो बी है और ये ए है ठीक, ये ए है ये बी है, तो हमें प्रूफ करना होगा इसका एरिया हाफ sum of parallel side into h its height. चलो अब बताओ क्या अप्रोच लगेगी. सर पहले तो एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे. चलो एल्टीट्यूड किधर ड्रा करें, एबी पे. चलो ये एल्टीट्यूड ड्रा कर दिया. चलो और यस सर, तो वो जो बहुत सिंपल सी अप्रोच है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे. कहां पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एडी, पैरेलल टू एडी. चलो ठीक, उसके बाद यस सर. यस सर, तो अभी ट्रायंगल सर उस पॉइंट को एक नाम दे दीजिए. चलो दे दिया, ई दे दिया. सर अभी ट्रायंगल ईबीसी का एरिया हाफ ऑफ पैरेललोग्राम एईसीडी होगा. देखो इसी को कहते हैं कि थ्योरम को अप्रोच अप्लाई करने में बिल्कुल ध्यान दो. तुमने जो थ्योरम पढ़ी है, अगर एक एक दो पैरेलल लाइंस हैं उस पे तुमने सेम बेस से अगर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और यही सेम बेस रहते हुए तुमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये सेम बेस रहते हुए,
तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम होगा। अगर ये सेम बेस था, इसका बेस क्या है, पैरेललोग्राम का ए ही है और ट्रायंगल का बेस क्या है, ए बी है, क्या तुम वाली थ्योरम अप्लाई कर दोगे? बोलो। अप्लाई करते में बहुत ध्यान देना होता है कि बिल्कुल ऐसे नहीं अप्लाई करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी इसका हाफ हो गया। कैसे हो गया, सेम बेस कहाँ हो रहा है, इसका बेस ए ही है, इसका बेस ए बी है। चलो बताओ, और बताओ, और कौन बताएगा? सर कहना है। हाँ बताओ सर। वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी एंड डी पॉइंट ऑन ए बी। सी और डी से ए बी पर, तो ये तो ड्रॉ किया ना, एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया है, और एंड फ्रॉम डी, फ्रॉम डी पे यहाँ ऐसे। यस सर। तो ये ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ना? बोलो। यस सर। देखो, एक अगर हमने यहाँ पर एच ड्रॉ कर लिया और एक यहाँ ड्रॉ कर दिया, अब तुम अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक? हाँ सर, फिर दोनों ट्रायंगल्स का एरिया, एक ट्रायंगल का एरिया तुम्हारा हाफ बेस इनटू हाइट, और दूसरे ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो एक ट्रायंगल तुम्हारा ये था, एक ट्रायंगल ये था, दोनों का एरिया जब सम करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ए प्लस बी इनटू एच। तो दैट्स द अप्रोच, सिंपल सी अप्रोच है कि एक तुमने परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया और एक परपेंडिकुलर बाहर ड्रॉ कर दिया। अब तुमने एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों का देखा और तुम्हें मालूम है कि एरिया का जो सम होता है वो दोनों का एरिया सम कर सकते हो, तो वहां पे कर दोगे। हियर इज सिंपल सी अप्रोच थी इसमें। चलो नेक्स्ट कराएं सर। एक यस सर। यस सर। सबका हो गया? यस यस सर। चलो नेक्स्ट थ्योरम तुम्हारे पास क्या है? नेक्स्ट थ्योरम है तुम्हारे पास द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स into two triangles of equal area, triangles of equal area। चलो इसको बताओ, कौन बता पाएगा कि इसका प्रूफ कैसे बताएंगे? मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल सभी को पता है क्या होता है, कि अगर एक ट्रायंगल तुम्हारे पास ये दे रखा है, ठीक, ये तुम्हारे पास ट्रायंगल दे रखा है, और इस ट्रायंगल में अगर कोई भी वर्टेक्स से, कोई भी वर्टेक्स से हमने सामने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी, मान के चलो ये ए बी सी था, हमने ए से डी एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जिसने बी डी और डी सी को बराबर बराबर बांट दिया, तो इसके मतलब ये हो गया ए डी इज द मीडियन हो गया। ये कह रहे मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, यानी कि हमें बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। चलो बताओ कैसे प्रूफ करोगे? सतीश कोले बताओ। सर हम ए से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे बी सी पर, और फिर उनकी पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। हाँ सर। पैरेलल ए से ए कहाँ ड्रॉ हो जाएगी, किस तरफ हो जाएगी? सर बी सी को पैरेलल ए से पास होने वाली, और हाइट सेम होगी तो, और बेस भी सेम, एरिया सेम है दोनों। ऐसा? हाँ सर। ठीक, हाइट सेम होगी दोनों ट्रायंगल की, और बेस भी सेम है तो एरिया बेस सेम कहाँ से है? इक्वल बेस। इक्वल बेस है और क्या है? हाइट सेम है। अच्छा, तुमने तो मतलब सीधे बोल दिया, इक्वल बेस है और बिटवीन द सेम पैरेलल है तो इक्वल हो गया वो। चलो ठीक है, सही अप्रोच, थोड़ी सी और सही अप्रोच होनी चाहिए थी, वो तुम एज इट इज तुमने प्रूफ ही कर दिया। देखो बहुत सिंपल सी अप्रोच लगाओ इसमें, अगर तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो ए बी डी का एरिया क्या हो गया, हाफ ऑफ
बेस इनटू हाइट, और इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डीसी इनटू एच। और बीडी और डीसी क्या है, बराबर है, बीडी और डीसी बराबर है, तो इसके मतलब एरिया भी बराबर हो गया, बराबर हो गया ना एरिया। हाँ सर। अच्छा, ये एरिया बराबर हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास मालूम है कि बेस बराबर है, तो BD is equal to DC हो गया। अच्छा, एक इसकी और एप्लीकेशन ये समझो कि जब भी कोई ट्रायंगल दे रखा होगा, ठीक, और मान के चलो हमने कोई भी लाइन यहाँ ड्रॉ करी, और ये लाइन जो ड्रॉ करी है इट इज नॉट अ मीडियन, और इसने इन दोनों को 3:2 में बांट दिया, यानी कि ए बी सी अगर तुम्हारे पास ट्रायंगल था और जो डी लाइन थी उसने ए सी को 3:2 में बांट दिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी का रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या होगा बताओ। बताओ जल्दी से क्या होगा रेशियो। 3:2 यानी तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई भी लाइन सामने वाले बेस को जिस रेशियो में बांटती है उसी रेशियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बढ़ जाता है। क्लियर है? यस सर, 3:2 उसी रेशियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बढ़ जाता है। और इस अप्रोच के क्वेश्चन काफी आते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर बढ़ जाता है, इस अप्रोच के क्वेश्चन आते हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, क्योंकि इसके जब क्वेश्चन आते हैं ना तो इतनी सी अप्रोच लगा के लगता नहीं है क्वेश्चन। चलो देखें क्वेश्चन इसका अप्रोच का। यस सर। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं और बताना इसको, ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड, mid points of the sides AB and AC of triangle ABC and area of quadrilateral EFC. K times the area of the value of K is 3:2 and the area of quadrilateral BEFC is k times the area of triangle ABC. अब तुम्हें बताना है कि value of k क्या होगी। सर एक मिनट।
सर सेंड किया राइट है अराउंड ना सही नहीं है चलो एक मिनट का टाइम ले लो बता दे रहे हैं फिर हम एक मिनट में बताओ वेरी गुड भाग्यश्री का आंसर आ गया वेरी गुड भाग्यश्री एक्सप्लेन कर दो सर एक्सप्लेन का अगर हम ट्रायंगल को फोर पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दे तो वैसे ही बन जाएगा कैसे जैसे अगर हम मिड पॉइंट डाल हाँ बी और सी के बीच में मिड पॉइंट डाले बी और सी के बीच में हाँ ठीक और ई को ई और एफ को उस मिड पॉइंट से जोड़ दे ठीक तो ए इज इक्वल टू फोर पार्ट्स एंड एंगल जो क्वाड्रिलेटरल है उसका बनेगा थ्री तो थ्री बाय फोर अच्छा अच्छा ठीक है सही है ये चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्यों चार पार्ट में डिवाइड होगा क्यों चार पार्ट में होगा ये भी तो बताओ सर मिड पॉइंट के हिसाब से मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा मिड पॉइंट से तो नहीं है ये किस थ्योरम से है ये प्रूफ कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/4 होता है देखो लॉजिक भी तो पता होना चाहिए थोड़ा देखो इसको बहुत सिंपल तरीके से तुम कर सकते हो अगर तुमने बी और एफ को ज्वाइन किया ठीक तो तुम्हें मालूम है कि पूरा ट्रायंगल एबीसी देखो ये ए बी एफ देखो तो ये ई मिड पॉइंट है ये ई मिड पॉइंट है तो अगर इसका एरिया एक्स होगा तो इसका भी एरिया एक्स होगा क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है तो एरिया भी सेम होगा अब तुम वापस आके देखो कि इन दोनों का एक्स एक्स टू एक्स है सर व्हाट यू सेड देखो ये अगर तुमने मिड पॉइंट दे रखा है तो एरिया ऑफ ए एफ ई अगर एक्स होगा तो ये भी तो एक्स होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मीडियन हो गया ना ये मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल एरिया तो इसका अगर एक्स एरिया होगा तो इसका भी एक्स हो रहा होगा अब इन दोनों का टू एक्स हो रहा है और ये तुम्हारा क्या हो रहा है ये तुम्हारा वापस मीडियन हो रहा है तो इधर का टू एक्स तो इधर का भी टू एक्स तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया थ्री क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या आया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल थ्री एक्स और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया टू एक्स तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज के टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी सर मेरा सही है आपने देखा के इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू आएगा सर इसको एक और वे में कर सकते हैं k is equal to 3 upon 2 आना चाहिए बताओ मैंने डाला था 1.5 excuse me sir हां सर इसको एक और वे में कर सकते हैं किस वे में बताओ सर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 4x आना चाहिए ना हां एक मिनट एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ रहा है अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हां सर 4x आना चाहिए एबीसी है ठीक है सॉरी ये एबीसी है हाँ ठीक है 4x k हाँ बोलो क्या कह रहे हो सर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे a से h और ठीक उसके बाद सर उसके बाद हमें पता है ef is equal to half bc मिड पॉइंट थ्योरम से चलो ठीक सर तो इससे इजी तो नहीं पढ़ रहा होगा ना इससे इजी तो नहीं पढ़ ये इजी पढ़ रहा है कोई नहीं वो डिफिकल्ट है हाँ तो फिर रहने दो छोड़ो डिफिकल्ट है तो रहने दो ठीक चलो आज के लिए इतना ही करते हैं ये सबसे इजी अप्रोच है एकदम ठीक है चलो ठीक है आज के लिए इतना ही करते हैं फिर